hello students this is the third video of lesson number 16 the name of the lesson is natural resources in the first video we have seen about the different minerals and ores in second video we have seen about fuel different types of fuel solid liquid and gaseous state fuels okay even in that uh, we have also learned about mineral oil natural gas Characteristics of CNG and all those points, even LPG gas cells. Now, in this third video, we are going to learn about the forest resources. In the beginning, can you tell? Point is there. Two questions are asked. What is meant by forest? Forest ka matlab kya hai? Forest ka matlab the plantation, whatever the plantation is done, or it naturally which is which grows on the earth. Okay, all that comes under forest then what are their uses forest uses kya mostly the forest are useful to, for, to us in many ways they, they provide us wood uh, it uh, also um, works as a better shelter for the animals birds okay and it gives many of the things to us many of the, th many, of the many of the things are

ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फॉरेस्ट में कौन कौन रहता है प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ओके नेचुरल हैबिटेट यानी ये नेचुरली अवेलेबल हैबिटेट यानी रहने के लिए जगह है। किसको? प्लांट्स की एनिमल्स की और माइक्रोब्स माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट पूरी दुनिया का अगर पूरे अर्थ का अगर ठीक तरह से अगर स्टडी करते हैं then near about 30% of the land is covered यानी lithosphere हम बोल रहे हैं okay is covered with forest. Forest perform certain specific protective and productive functions. Forest दो काम करता है okay पहला काम क्या है प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी वो प्रोटेक्शन देता है किसको किसको प्रोटेक्शन देता है एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है को प्रोटेक्शन देता है एंड प्रोडक्टिव फंक्शन ओके प्रोडक्टिव फंक्शन मतलब द थिंग्स विच वी ऑप्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट ओके उससे जो मिलने वाला प्रोड्यूस है ओके दैट इज कॉल्ड इट्स प्रोडक्टिव फंक्शन ओके इ राइट साइड इन येलो कलर बॉक्स सम प्रोटेक्टिव फंक्शन आर गिवेन ओके यहां पर दो दो पॉइंट दिए ना प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड प्रोडक्टिव फंक्शन तो पहला हम लोग देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या क्या है किसको किसको प्रोटेक्शन देता है टू रेड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड जमीन पर जो बहने वाला पानी है उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी यानी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप, आप लोगों को वेलोसिटी तो मैंने पहले एक लेसन में क्लियर किया है ओके बट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग यानी पानी का जो स्पीड है बहने का ओके पर यूनिट टाइम वो कम करता है ओके नंबर टू टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन जो सॉइल का इरोजन होता है यानी सॉइल एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाती है तो ये उसकी वजह से ये प्रिवेंशन होता है उसको रोकता है सॉइल इरोजन को ओके यानी सॉइल जहां पर है वहीं पर पकड़ कर रखी जाती है फॉरेस्ट की वजह से फॉरेस्ट यानी प्लांट्स की वजह से देन टू हेल्प पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड ओके यानी जमीन में जो पानी की लेवल है ग्राउंड वाटर लेवल जो बोलते हैं ओके okay? वो बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट की बहुत मदद होती है यानी जो बारिश का जो गिरने वाला पानी है उसका पर्कुलेशन जमीन में हो, होने के लिए फॉरेस्ट की बहुत मदद होती है नंबर फोर टू कंट्रोल फ्लड्स ओके ज्यादा बारिश की वजह से जो फ्लड्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट बहुत फायदेमंद होते हैं नंबर फाइव इज टू रेड्यूस द रेट ऑफ योर ऑपरेशन पानी का जो यूर e ऑपरेशन होता है बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ओके तो उसको कम करने के लिए एक फायदा होता है नंबर सिक्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ये जंगली जानवरों को बचाने के लिए ये इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड नंबर सेवन टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमोस्फेयरिक गैसेस एटमोस्फेयर में जितने भी जो कुछ भी गैसेस है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ओके okay, तो उनका बैलेंस ठीक तरह से करने के लिए फॉरेस्ट बहुत फायदे के दस फॉरेस्ट हेल्प इंप्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट की वजह से ही अपना जो एनवायरमेंट है वातावरण है ओके okay, उसकी क्वालिटी अच्छी तरह से मेंटेन हुई maintain है नहीं तो अगर ये फॉरेस्ट नहीं होते तो इवन हमारा जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता ओके देन आफ्टर दैट डाउन इज गिवन बुक्स माय फ्रेंड फ्रॉम योर जोग्रफी टेक्स्ट बुक एंड अदर रेफरेंस बुक्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट इन इंडिया एंड एक्सटेंड ऑफ लैंड कवर्ड बाय ओके okay? ये आप लोगों ने यह एक्टिविटी कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे नॉलेजफुल एक्टिविटी है बहुत फायदा होगा उसका देन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज मेन पॉइंट इज गिवन प्रोडक्टिव फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन वी एव लर्न ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रोडक्टिव फंक्शन ओके क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोगों को और उसका कैसे कैसे फायदा होता है ओके okay? तो पहला द मेन मेन फंक्शन इज वी ऑप्टेन मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं उनसे ओके कौन से कौन से प्लांट आडूसा, बेल नीम पेरीविंकल सिनेमन, सिंकोना ओके ऑल दिस। ओके और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों में इनका उपयोग होता है ओके जैसा अभी आडूसा। आडूसा का आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल में एक सिरप भी अवेलेबल है ओके आडोसा सिरप मोस्टली मेनी ऑफ द डॉक्टर्स दे प्रेफर इट ओके तो वो सजेस्ट करते हैं वो उसका फायदा किस लिए होता है कफ एंड कोल्ड ओके सर्दी कफ अगर होता है तो या आडू साका अगर सिरप दिया तो बहुत फायदा होता है बेल ओके मराठी में भी उसको बेल ही बोलते हैं वो बेल का फायदा कौन सी बीमारी पर होता है डायरिया ओके अगर ज्यादा ही लूज मोशन वगैरह अगर ऐसा होता है तो बेल का जूस अगर लिया तो बहुत फायदे में होता है नीम नीम तो नीम मराठी में नीम ही बोलते हैं ओके okay, उसका फायदा किस पर किस लिए होता है फीवर एंड कोल्ड अगर आपको बुखार आ रहा है ओके okay, ठंडी बच रही है तो उसके उस पर नीम के पत्ते ओके okay, उसका जूस बहुत फायदे का हो रहता है पेरीविंकल ओके पेरीविंकल का फायदा बहुत बड़ा फायदा किस पर होता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ओके यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट है ना मेडिकल यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस ओके सिनेमन ओके अपने मसाले में होता है उसका फायदा डायरिया एंड नोशिया ओके डायरिया यानी लूज मोशन ओके नोशिया का मतलब कोई भी खाने की चीज है अगर सामने आती है तो उसका स्मेल हमें अच्छा नहीं लगता ओके वॉमिटिंग होती है वगैरह उसको नोशिया बोलते हैं ओके तो ये डायरिया और नोशिया पर सिनेमन काम करता है सिंकोना ये मलेरिया पर इफेक्टिव है ओके इन दिस वे दीज आर सम ऑफ ऑफ द द प्रोडक्टिव फंक्शंस फॉरेस्ट some more productive functions are also there here yeah, it is given prepare a list of medicinal plants okay aap logo ne bahut sare sune honge is par okay like ashwagandha shatavari amla hirda beeda tulsi and their uses okay एलोवेरा भी है इसमें यहां पर नाम तो नहीं दिया है लेकिन बहुत सारे thousands of medicinal plants are there. Okay, जो हमारे हर दिन काम के आते हैं ओके टेक द हेल्प ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और पीपल इन योर नेबरहुड हैव नॉलेज ऑफ प्लांट्स टू दी धि इन्फॉर्मेशन ओके अगर आपके घर में आपके जो पेरेंट्स है अगर उनको इन्फॉर्मेशन अगर इनके बारे में मालूम है तो ठीक है नहीं तो गूगल पर सर्च करो ओके यूज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट का नाम और उसका यूज अगर इतना भी टाइप करके अगर गूगल पर डाल दिया तो बहुत लंबी लिस्ट आएगी राइट मूविंग टू द राइट साइड ओके और क्या क्या फायदे नेक्स्ट द फंक्शन इज वी ऑप्टेन वूड वी गेट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुड एज ऑल्सो फायरवुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक माहोगनी नीम एक्काशिया सुबाबुल ये जो सारे बड़े बड़े पेड़ है इनसे हमें दो प्रकार का वुड मिलता है ओके नंबर वन स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एंड मेनी मोर थिंग्स ओके एज ऑल्सो फायर वुड फायरवुड का मतलब जलाने के लिए लकड़ी फ्रॉम द ट्रीज ओके okay, कौन से टी टीक माओगनी नीम एक्काशिया सुबाबुड़ ओके okay, ये आप लोगों ये मराठी नेम से सुबाबुड़ एक्शिया नीम ओके देन वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर ओके ये जो है स्ट्रॉग एंड ड्यूरेबल वुड तो उसके का, का, का पर यूज होता है फॉर मेकिंग फर्नीचर देन फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ओके खेत किसानों के लिए बहुत फायदे का है एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स एज वेल एज इन कंस्ट्रक्शन वर्क कंस्ट्रक्शन में भी लकड़ी का बहुत फायदा होता है ओके लेटेस्ट अस एड फॉरेस्ट वेल्थ फॉरेस्ट की वेल्थ जो है यानी फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोड्यूस है ओके okay, उसमें क्या क्या आता है और यानी हमें और क्या क्या मिलता है मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं ओके वुड मिलता है और क्या क्या मिलता है इट फ्रॉम द फ्रॉम फॉरेस्ट वी ऑप्टेन फाइबर्स देन पेपर देन रबर देन गम एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस एरोमेटिक सेंट वाले, जो भी सारे सब्सटेंसेस हैं, ओके ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है और क्या मिलता है वी गेट फ्रेग्रंट एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम लेमन ग्रास ये जो है ये जो है लेमन ग्रास वेनिला केवड़ा वेटीवर यानी खुश एंड यूकेलिप्टस ओके इनसे हमें कौन से कौन से तेल मिलते हैं फ्रेग्रेंट तेल ओके okay? नीलगिरे का तेल आप लोगों ने सुना होगा ये यूकेलिप्ट यूकेलिप्टस ओके तो ये सारे सेंट वाले ओके okay? अभी ये केवड़ा है केवड़ा अगरबत्ती में उसका सेंट होता है ओके okay? वेनिला वगैरह लेमन ग्रास ओके okay? तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं देन सैंडलवुड ओके एंड ऑयल ऑफ यू कैलिप्ट आर यूज फॉर मेकिंग सोप ओके सैंडलवुड का सोप आप लोगों ने टीवी पर एड में सुना होगा वो कौन सा लक साबन वगैरह उसमें होता है लक सैंडलवुड ओके okay, तो उसका ऑयल सोप बनाने में यूज किया जाता है ओके नॉट ओनली सोप बट इवन कॉस्मेटिक्स एंड इंसेंस्टिक इंसेंस्टिक का मतलब अगरबत्ती कोई तो ये सारी चीजों में इनका ऑयल यूज किया जाता है इन एडिशन और क्या है वी गेट वेरियस फ्रूट्स ये तो मिलते ही है बर्ड्स ओके कंदमूल एंड रूट्स हनी सीलिंग वैक्स कैटेच्यू डाइज एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट इतनी सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है राइट सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी ऑफ द फेस ओके इट इज इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन अल्सो एंड इट हैज गॉट द प्रोडक्टिव फंक्शन ओके दोनों दोनों तरह से वो फायदे का है लेटेस्ट मूव एड टू द नेक्स्ट फर्दर पॉइंट यूज योर ब्रेन पावर पॉइंट इज देर ओके पेड़ों का पिक्चर दिया है एक दूसरे को पकड़कर हमें बचाओ इस हाल आदमी के हाथ में कुलाड़ी है ओके यू क्वेश्चन व्हाट यूजफुल थिंग्स विल वी हैव टू डू विदऊ इफ रबर इज नो लॉन्गर एवेलेबल मीन्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन अगर रबर अगर अवेलेबल नहीं रहा तो हमें कौन से कौन से अपने यूज की जो थिंग्स हैं तो उनके बिना काम चलाना पड़ेगा अभी रबर काका यूज होता है बहुत सारी जगह पर रबर यूज होता है अपने ट्यूब टायर मेन ओके okay, सारे व्हीकल्स में जितने भी सारे ट्यूब टायर फिट होते हैं ओके दे ऑल आर मेड फ्रॉम द रबर ओके और रबर से भी और भी बहुत सारी चीजें ओके okay, जो रबर से बनती है तो रबर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में नंबर टू व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग डाउन ट्रीज फॉरेस्ट को काटने के, काटने के कारण नहीं तो ट्रीज को काटने के कारण एडवर्स एडवर्स यानी नेगेटिव नेगेटिव यानी वाइट परिणाम ओके क्या क्या होते हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है ओके सॉइल का इरोजन हो रहा है राइट ऑल दिस थिंग पानी का परक्युलेशन कम हो रहा है जमीन जमीन में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रही है लाइक दिस मेनी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स आर देयर बीच वी आर सफरिंग ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन द नेक्स्ट बॉक्स वन मोर क्वेश्चन इज आज हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट कंजर्व यानी जतन करने ओके okay? तो इनका कंजर्वेशन कैसे करना है जप जपने ओके तो इनको कैसे संभाल कर रखना है फॉरेस्ट को नंबर वन पॉइंट इज गिवन यंग ट्रीज शुड नॉट बी कट जो पेड़ पौधे छोटे है, हैं उनको काटना नहीं चाहिए ओके नंबर टू मेनी मोर ट्रीज दैट आर कट डाउन शुड बी प्लांटेड एंड लुक टाफ्टर ओके जितने भी सारे पेड़ अब तक जितने भी काटे गए हैं उनकी जगह पर और बहुत सारे प्लांट्स लगाकर उनका ध्यान रखना चाहिए लुक टाफ्टर यानी उनका ध्यान रखना चाहिए वो ठीक तरह से उनकी ग्रोथ हो रही की नहीं उनको पानी मिल रहा है कि नहीं ओके okay? तो वो नंबर थ्री द स्ट्रीजेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑब्लिक लॉज ऑब्लिक रेगुलेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड ओके स्ट्रीजेंट यानी कड़क नियम ओके रेस्ट्रिक्शन यानी बंधन ओके लॉज यानी नियम कायदा रेगुलेशंस, ओके तो रिगार्डिंग किसके बारे में यूज ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड जितने भी रूल्स बनाए गए है गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स बनाए वो ऑल दोज रूल्स दे शुड भी स्ट्रिक्ट फॉलोड ओके ठीक तरह से उसका पालन होना चाहिए ओके दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट वेल्थ ओके नाउ लेटेस्ट मूव एड टू दिन रिसोर्सेस नाउके अब तक हमने फॉरेस्ट के रिसोर्सेस देखे अब ओशियन के रिसोर्सेस लेटेस्ट रिकॉर्ड पॉइंट इज देयर नंबर वन नेम द ओशंस ऑफ द अर्थ ओके ओशन पर कितने सॉरी अर्थ पर कितने ओशंस है उनके नाम देने टोटल फोर ओशन आर देर आर्टिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन और एक पांचवा ओशियन है वो डिस्कवर हुआ है लेकिन अब तक वो सिलेबस में नहीं आया तो इसलिए ऑथोराइजली मैं बोल नहीं सकता ओके नंबर टू हाउ इज सी वाटर यूजफुल टू अस इवन दो इट इज सोल्टी ओके सी सी का जो समंदर का जो पानी है वो सोल्टी होता है फिर भी वो हमें फायदे का है इन वॉट वे इट इज यूजफुल ओके तो मोस्टली वी ऑप्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर ओके एंड सॉल्ट के कारण उसकी डेंसिटी कम होती है उसके कारण वो जहाज भी उस पर बहुत अच्छी तरह से तैरते है तो इट कैन बी इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज ओके तो बहुत इवन जहाज वगैरह वो आराम से जो उस पर उससे निकल जाते हैं पानी पर तैरते है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर अगर वो सॉल्ट कम होगा तो जहाज और नीचे जाएंगे ओके okay, तो उनको ज्यादा और ये लगेगा डीजेल वगैरह ओके इट विल यूज इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल ओके ये सॉल्ट के कारण वो आसानी से तैरते हैं उस पर नेक्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न दैट ओशंस ऑक्यूपाई अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस देन लैंडर्स ओके ओशन ओशन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं यानी हमने ऐसा पढ़ा है कि uh, हाइड्रोस्फियर फियर यानी पानी वाला पार्ट ओके तो हाइड्रोस्फीयर ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है ओके लिथोस्फियर से लिथोस्फेयर यानी जमीन वाला पार्ट ओके सो एनर्जी कैन बी ऑप्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशंस ये बहुत बड़ा पॉइंट है वी कैन ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द ओशंस और वो हो भी रही है ओके द टाइडल वेव जो ता, जो टाइडल ता, ता, वेव तैयार होते हैं उस उसके कारण बहुत सारे टर्बाइन उस पर फिट किए गए हैं और उससे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है ओके वो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी है गवर्नमेंट का सी वेव्स एट हाई एंड लो टाइड एंड ओशियन करूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर ईयर पॉइंट इज गिवन ओके जो सी की जो वेव्स तैयार होती है ओके और हाई टाइड लो टाइड में जो चेंजेस चलते रहते हैं ओशियन करंट्स का जो चलते रहते हैं बहते रहते हैं ओके okay, उसका उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेशन की जाती है लास्ट ईयर वी हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस इन ज्योग्राफी सिक्स स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में आपको एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में There are reserves of a variety of natural resources in seawater at the bottom of the sea and beneath the seabed too. Okay, last video, a previous video, we hum, explained okay, the under the seabed, many more reserves of mineral oils and gases are here, are there. Okay, all those they are taken out with the help of bore wells. Okay. दीज रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड मराइन रिसोर्सेस ओके तो ये जो रिसोर्सेस हमें सीज उससे मिलते हैं ओके okay? उनको क्या बोलते हैं मराइन रिसोर्सेस ओके लेटेस्ट मोटू नेक्स्ट पेज ऑन नेक्स्ट पेज मेन पॉइंट इज गिवेन वॉट इज द नेम ऑफ द पॉइंट इज मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन ओके अब इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा वो जो मराइन रिसोर्सेस का जो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो इसमें क्लियर हो जाएगा मिनरल एंड बायो बायो रिसोर्सेस बायो मीन लिविंग रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन ओशन से हमें क्या क्या मिलता है एक नंबर वन मिनरल एंड नंबर टू बायो रिसोर्सेस ओके तो बायो रिसोर्सेज तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ओके okay, बस इतना ही नहीं है बहुत सारे देन क्वेश्चन इज आस्ट आर मिनरल्स टू बी फाउंड इन सीज एंड ऑन द सी बेड एज दे आर फाउंड इन साइड द अर्थ ओके समर के जो समंदर का जो बेड होता है नीचे ओके okay, उस पर मिलने वाले मिनरल्स और जमीन के नीचे मिलने वाले मिनरल्स क्या वो एक जैसे होते हैं एक जैसे एक जैसे तो नहीं होते इस पर सीज के अंदर जो होता है उसमें और बहुत सारे मिलते हैं ओके okay?

समंदर के पानी में और नहीं तो पानी के नीचे इतने सारे मिनरल्स मिक्स है ओके डिजॉल्व हुए है पानी में कि उनका हम हम लोग अपने डेली इसमें लाइफ में बहुत फायदा हो सकता है देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व ऑफटीन क्रोमियम फॉस्पेट कॉपर जिंक आयरन लीड मैंगनीज सल्फर यूरेनियम एक्सेट्रा इतने सारे एलिमेंट्स है वहां पर ओके इतने सारे मिनरल्स इन द ओशन एंड सी बेड्स ये, ये सारी चीजें जमीन पर नहीं है ओके इतनी सारी चीजें समंदर के पानी के सी बेड पर है ओके वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स रत्न शेल्स, ये जो है दिखाई दे दिखा रहे हैं शेल्स एंड पर्ल्स फ्रॉम द सी ओके okay, जो मैंने जो लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था हिरे मा मानिक मोती पाचू वगैरह ये सारे कहा से मिलते फ्रॉम द सी रियल पोल्स ओरिजिनल पोल्स ओके आर इवन कॉस्टलियर देन गुड्स ओके बहुत महंगी महंगी चीजें समंदर के समंदर में होती है देयर आर लार्ज स्केल रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एट द बॉटम ऑफ सी ओके okay, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैंने एग्जाम्पल भी दिया था बॉम्बे हाई का ओके okay? वहां पर बहुत सारा एलपीजी गैस सीएनजी गैस एलएनजी गैस मिलता है हम लोगों को ओके वी एवेल दीज बाय ड्रिलिंग ऑयल एंड गैस वेल्स ओके मुंबई के पास अगर थोड़ा सा दूर है मुंबई से लेकिन वहां पर अगर गए तो वहां पर ऑयल भी निकाला जाता है इससे गैसेस भी निकाले जाते हैं ये नेचुरल गैस मिनरल ऑयल्स वगैरह ये सारे वहां से मिलते दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स वी ऑप्टेन फ्रॉम द सीज ओके सो दिस इज कॉल्ड एज मराइन वेल्थ इसको बोलते हैं मराइन वेल्थ ओके यहां पर पिक्चर दिया है किसका है सागर सम्राट वेर इज इट बॉम्बे हाई जो मैंने आ, लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था अभी भी बो, बोला है मैंने ओके सो दिस इज द पिक्चर ये ऐसा बना स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरे समंदर के पानी में और यहां पर नीचे बो, बोरवेल बनाई गई है पानी समंदर के पानी से नीचे जमीन में ओके उसकी लेंथ कितनी होती है एक किलोमीटर से ज्यादा तीन किलोमीटर तक बोरवेल होता है अब तब वो निकाला जाता है राइट इन इंडिया द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल पहली इंडिया की पहली मिनरल ऑयल वेल क्या नाम दिया है उसको सागर सम्राट वॉज ड्रिल्ड इन 1974 कब बनाई गई 1974 में एट द ऑयल फील्ड कॉड बॉम्बे हाई फॉर ऑप्टेनिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी ओके द नेचुरल गैस फ्रॉम दिस वेल इज कैरीड वाय अपलाइन टू द प्लेस कॉर्ड उन ये उरन आप लोगों ने सुना होगा शायद नहीं तो आ, मैप पर चेक कर लो ओके यानी यहां पर जो निकाली जा निकाला जाता है ओके क्या क्या मिलता है यहां पर नेचुरल गैस ओके मिनरल ऑयल दोनों भी चीजें मिलती है यहां पर ओके तो ये दोनों भी चीजें यहां पर निकालने के बाद अब यहां पर तो ट्रांसपोर्टेशन तो के लिए ज्यादा कुछ ये नहीं हो सकता ओके इसलिए यहां से पाइपलाइन बनाई गई है और ये पाइपलाइन से कहा भेजा जाता है टू द प्लेस कॉल्ड उरन ये मुंबई के आसपास ही है ओके एंड थ्रू पाइपलाइन इट इज सेंड एंड वहां पर उरन पर वहां पर जाकर वह उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह उस पर प्रोसेसिंग करके देन इट इज सेंड टू द अदर प्लेसेस ओके दिस इज ऑल अबाउट द सागर सम्राट विच इज एट बॉम्बे हाई ओके लेटेस्ट मूव एड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन मिनरल रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन एंड बायो रिसोर्सेस इन ओशन दो प्रकार के रिसोर्सेस जो मिलते हैं हमें ओके okay? तो उसके बारे में थोड़ा सा एक पढ़ते हैं ओके तो मिनरल्स में क्या क्या मिलता है हमें पहला थोरियम देन मैग्नेशियम पोटेशियम सोडियम सल्फेट इतनी सारी चीजें हमें ओशन से मिलती है ओके थोरियम थोरियम का क्या है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एटोमिक एनर्जी जो एटोमिक एनर्जी है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है उससे ओके जो मुंबई के आसपास स्ट्रॉम्बे में उसका प्लांट है ओके सो इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी देन मैग्नेशियम यूज्ड इन द फ्लैश बल्ब ऑफ अ कैमरा ये जो मैग्नेशियम है ये फ्लैश बल्ब जब हम लोग कैमरा फोटो निकालते हैं तो फ्लैश होता है ना तो उसके बल्ब में यूज किया जाता है पोटेशियम द मेन इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ सोप ग्लास एंड फर्टिलाइजर हमने लास्ट लेसन uh, में पढ़ा है ओके वाइल प्रिपेयरिंग द सोप या तो पोटेशियम सोल्ट यूज किए जाते हैं उसमें ओके सो दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोप ओके और पोटेशियम का यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स ओके फर्टिलाइजर की जो गोनी आती है ओके उस पर लिखा होता है एन पी के तो पी का मतलब क्या है पोटेशियम एन का मतलब नाइट्रोजन पी का सॉरी पी का मतलब फॉस्फरस एंड के का मतलब पोटेशियम ओके एन पी के लिखा होता है तो उसमें ये पोटेशियम होता है देन नेक्स्ट इज सोडियम ये सोडियम बहुत डेंजर चीज है ओके सोडियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड पेपर ओके लेकिन उसका फायदा भी बहुत है ओके okay, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है देन सल्फेट सल्फेट इज ऑल्सो इज ऑपटेन फ्रॉम द ओशियंस इट इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क ओके ओरिजिनल सिल्क तो है ये अपना सिल्क वर्म से मिलता है तो लेकिन अगर आर्टिफिशियल सिल्क बनाना है तो दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ सल्फेट राइट देन मूविंग टू द बायो रिसोर्सेस इन ओशन ओके बायो मींस लिविंग ओके लिविंग रिसोर्सेस क्या क्या मिलते हैं देन फिशेस लाइक पॉम्परेट सियर फिश एज ऑल्सो श्रिम्स एंड प्रॉन्स ओके ये नाम अगर आप लोगों ने सुने तो अच्छी बात है लेकिन ये बहुत मार्केट होता है इनको ओके okay? सबसे महंगे होते हैं ये ट वगैरह ये बहुत महंगे होते हैं ओके नियर अबाउट वन थाउजेंड रुपीज पर किलो वगैरह इतना मार्केट होता है उनका ओके तो ऐसे अलग अलग प्रकार के फिशेस मिलते हैं दे आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन इसीलिए तो उनको खा, खाया जाता है उनमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे विटामिन इसलिए तो उनको उनकी कीमत भी ज्यादा है देअर फॉर दे आर मेनली यूज एज अ सी फूड ओके सो वी ऑप्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश ओके उसके दो तीन एग्जाम्पल ध्यान में रखो ओके पॉम्परेट प्रॉन ओके एंड सीअर फिश देन नेक्स्ट इज ड्राइड श्रिम्प बॉम्बे डक पाउडर ओके तो इट इज ये भी ये भी मिलता है इट इज यूज एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज अ गुड मेन्यूर ओके इसका फायदा कहां पर होता है पोल्ट्री फीड यानी जो पोल्ट्री में जो मुर्गियां होती है उनको खाने के लिए इसका फायदा होता है बॉम्बे डक पाउडर ऑल्सो इट व इट इज यूजफुल एज ए गुड मैन्यूर मैन्यूर यानी फर्टिलाइजर ओके पेड़ पौधों के लिए देन नंबर थ्री सेल्स ओके शंख शिम्पले यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स ओके सीम्पलेके सेल्स का मतलब क्या है सिंपले ओके okay, किसपे फायदा होता है मेडिसिन बनाने के लिए ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और डेकोरेटिव आर्टिकल जो घर में अगर कुछ डेकोरेशन वगैरह करना है तो उसके जो आर्टिकल्स बनते हैं तो वो इस शेल से बनते हैं देन नेक्स्ट वी ऑप्टेन फंगी ओके सी बेड पर होती है फंगी ओके फंगस ओके इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत सारी अपनी बीमारियां जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ओके okay? तो वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यह फंगस काम आता है देन नेक्स्ट शार्क एंड कॉड फिश ये जो दो प्रकार के फिश है शार्क फिश एंड कॉड फिश ओके इनके अंदर जो ऑयल मिलता है वो ऑयल बहुत काम का है ये फिश से सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल रीच इन विटामिन ए डी एंड ई ओके तो ये दोनों फिश से जो ऑयल मिलता है ओके okay, तो उसमें क्या होता है मैक्सिमम विटामिन ए डी एंड ई बहुत होता है इसलिए वो बहुत फायदे के नेक्स्ट इज सी कुकुम्बर्स, ओके कुकुम्बर तो हमें वेजिटेबल uh, में मालूम है ये सी का भी एक कुकुम्बर होता है ओके okay, ऐसे स्पेशल होता है वो तो उसका फायदा क्या होता है यूज एज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कैंसर एंड ट्यूमर ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों की ट्रीटमेंट करने के लिए काम आता है वो ओके इट इज यूज एज मेडिसिन राइट देन ऑन नेक्स्ट पेज टू बॉक्सेस आर गिवन मरा ऑक्यूपेशन यानी ओशन पर क्यों, कौन से कौन से ऑक्यूपेशन चलते हैं जैसे जमीन पर अपनी फार्मिंग वगैरह चलती है तो उधर वह ओशन पर कौन से ऑक्यूपेशन चलते हैं नंबर वन फिशिंग फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन नंबर टू सॉल्ट फार्मिंग सॉल्ट फार्मिंग ओके ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है पैसे मिलते हैं नंबर थ्री ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी चलता है ओके okay, ट्रांसपोर्ट बाय सी देन सी टूरिज्म ओके तो वहां पर टूरिज्म भी बहुत अच्छा चलता है मीन ऑफ फाइनेंशियल इनकम वहां से बहुत सारा पैसा मिलता है सी टूरिज्म से नंबर फाइव मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स ओके ये सारे काम वहां पर चलते हैं देन टू द राइट साइड ऑलवेज रिमेम्बर क्या ध्यान में रखना है नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग आवर नीड्स ये नेचुरल रिसोर्सेज अपनी जरूरत पूरी कर, करने के लिए बहुत फायदेमंद है रिजर्व ऑफ सम रिसोर्सेस आर लिमिटेड ओके कुछ रिसोर्सेज जो है उनके रिजर्व यानी स्टॉक वो बहुत लिमिटेड है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए देर इज अ डेंजर दैट एक्सेसिव यूज विल लीड टू देयर अर्ली डिप्लेशन अगर हमने ज्यादा यूज किया पेट्रोल डीजेल वगैरह केरोसिन इसीलिए तो गवर्नमेंट ने बहुत अभी बैन किया केरोसिन तो अभी मिलता ही नहीं है okay? ओके तो अगर हमने ज्यादा अगर वो यूज किया तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे वी मस्ट कीप अंट्रोल ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर और हमने बहुत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सो दैट वी कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट ओके तो यहां पर ये लेसन खत्म हो रहा है ओके आई विल कम बैक विथ द नेक्स्ट लेसन वीडियो इफेक्ट ऑफ लाइट लेसन नंबर सेवेंटीन ओके थैंक यू